अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं मोज़रेला चिकन स्टिक्स विद रेड सॉस पास्ता, चिकन स्टिक आसमा स्टाइल। ये हमने हाफ के जी चिकन ब्रेस्ट लिया था, इसमें हमने हसबे जायका नमक डाल दिया। वन टीस्पून अदरक लहसुन, वन टीस्पून काली मिर्च पाउडर। अब हम इसको दोनों साइड पर अच्छे से लगाएंगे। हमने दोनों साइड पर अच्छे से लगा दिया था, अब हम इसको 1 घंटे के लिए रख देंगे। ये है 2 कप मैदा, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून काले मिर्च पाउडर। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये है 2 अंडे, इसमें हम दूध डाल देंगे 3 टेबल स्पून। हाफ टी स्पून काले मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। चिकन को हम सबसे पहले मैदे में कोट कर लेंगे अच्छे से। चिकन को अब हम अंडे में डिप कर लेंगे। अब हम इसको ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे अच्छे से। बाकी भी हम इस तरह से कोट कर लेंगे। हमने सारा चिकन तैयार कर लिया, अब हम इसके लिए टमाटर सॉस बनाएंगे। ये 6 टमाटर को हमने बॉईल करने के लिए रख दिया था, जब बॉईल हो चुका था तो अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। हमने ग्राइंड कर लिया था। हमने पैन में 1 टेबल स्पून तेल डाल दिया था, 1 टीस्पून लहसुन, 1 टीस्पून गोल्डन हो चुका है तो अब हम इसमें टमाटर की प्यूरी डाल देंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, हाफ टी स्पून काले मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून नमक, अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर का सॉस तैयार हो चुका है। इसमें हमने लास्ट में 1 टेबल स्पून चिली सॉस डाल दिया था। अब हम चिकन को रोस्ट कर लेंगे। तेल गरम हो चुका है तो अब हम चिकन को डाल के रोस्ट कर लेंगे अच्छे से।
अब हम चिकन को दूसरी साइड पर कर लेंगे। चिकन दोनों साइड पर अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो अब हम इसको निकाल देंगे। रोस्टेड चिकन को हमने बेकिंग ट्रे में रख दिया था, इसमें हमने ऊपर से टमाटर का सॉस डाल दिया। अब हमने इसमें ऊपर से मोज़रेला चीज़ डाल दिया। थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। अब हम इसको 7 से 8 मिनट के लिए बेकिंग के लिए रख देंगे। चिकन अच्छे से बेक हो चुका है, तो हमने निकाल दिया था।